सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जनपद प्रयागराज के एक और ब्लॉक में आज दिनांक 30 सितंबर को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। कल भी एक ब्लॉक में परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे गए थे और आज दूसरे ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। साथियों, हालांकि मुझे इस परीक्षा का लिंक उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद शाम के वक्त मुझे एक शिक्षक साथी ने, जो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रयागराज के, उन्होंने मुझे इसके स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए। उन स्क्रीनशॉट की मदद से मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ कि जनपद प्रयागराज के दूसरे ब्लॉक में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस ब्लॉक में इतने मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे गए जितने मुश्किल प्रश्न कल पूछे गए थे, और उनमें से कुछ क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग थे जिनके उत्तर अभी भी मिलने बाकी हैं। एक दो क्वेश्चन अभी भी कंफ्यूजिंग था, किसी का कोई लॉजिक था, मेरा कुछ और लॉजिक था। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परीक्षा में आज जो दिनांक 30/9/2020 को प्रयागराज के एक ब्लॉक में परीक्षा हुई, तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं जनपद प्रयागराज के ब्लॉक में। साथियों, अब जो परीक्षा हो रही है वो ब्लॉक वाइज हो रही है। मैंने देखी कई बार इसी तरह से मथुरा में परीक्षा हुई, वो भी एक ब्लॉक में हुई। इसी तरह से आपकी बरेली में हुई, वो भी एक ब्लॉक में हुई। यानी कि अब ब्लॉक वाइज परीक्षा हो रही है। पहले जो परीक्षा हो रही थी वे जिले वाइज हो रही थी। तो जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए, इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में जनपद प्रयागराज में परीक्षा आपकी आयोजित की गई। इसमें आपके क्या क्या प्रश्न पूछे गए, वे आपकी प्रेरणा लक्ष्य है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्न थे। पहला जो प्रश्न था वो था आपका, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। साथियों, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, और इसमें 5 अक्टूबर 2019, 6 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020। तो ये मैंने कल भी बताया था कि मिशन प्रेरणा की शुरुआत जो थी 4 सितंबर को शाम के वक्त हुई थी, जो मुख्य, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी शुरुआत की थी। जो आपका जो है, जो आपका शिक्षक दिवस होता है, उससे एक दिन पहले शाम को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 सितंबर 2019। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को जो प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य है वो आपका मार्च 2022 रखा गया है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देख लीजिए, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें कुछ प्रश्न कॉमन आपको मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। अब बात आती है छोटे अनुच्छेद की। मैंने बताया था छोटा अनुच्छेद और बड़ा अनुच्छेद, आपको यही याद रखना है। बड़े अनुच्छेद का मतलब कक्षा 5, छोटे अनुच्छेद का मतलब कक्षा 4। तो ये आपका कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है भाषा का। तो इसमें कक्षा 4 के लिए आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिकाएं हैं। तो शिक्षकों के लिए ये आपको पता है 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सही सभी, यानी तीनों मॉड्यूल शिक्षकों के लिए विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, प्रभावी शिक्षण की सीडी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, जो प्रभावी शिक्षण की सीडी है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उस वीडियो को अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा आप। और अगर आप मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें प्रभावी शिक्षण की सीडी के बारे में डिटेल्स में बताया है। जो प्रभावी शिक्षण की सीडी होती है वो अंग्रेजी के लेटर्स से शुरू होती है। अंग्रेजी के जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के A to Z, उससे जुड़ी होती है। हर लेटर्स का एक मतलब होता है,
जैसे ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, बी से बिजी क्लासरूम होता है, तो इस तरह से ए से जेड तक सभी अक्षरों का मतलब होता है और उसमें 26 अक्षर होते हैं प्रभावी शिक्षण की सीडी में, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट से शुरू होती है। तो इसका सही आंसर होगा 26, यानी कि आपके 26 लेटर्स इसमें होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, नेक्स्ट प्रश्न होगा लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं, यानी लर्निंग आउटकम कितने तरह के आपके होते हैं, यानी लर्निंग आउटकम साथियों हमारे 3 तरह के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्निंग आउटकम का, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उप आउटकम्स होते हैं, तो इस तरह से आपका इसके आंसर होंगे आपका 3। तो 3 तरह के लर्निंग आउटकम आपके होते हैं। एक लर्निंग आउटकम का मेरे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा होता है, वो मेरे याद नहीं आ रहा। 3 लर्निंग आउटकम होते हैं, इतना तो मेरे याद आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न का आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। तो जो आधारशिला मॉड्यूल है वो आपका कक्षा 1, 2, 3 के लिए है, तो उसके अंतर्गत भाषा और गणित पर विशेष जोर दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर होगा भाषा और गणित। नेक्स्ट आता है आपका सीखने की प्रक्रिया के सही क्रम क्या है। तो साथियों जो सीखने का प्रक्रिया होती है उसका सही क्रम होता है ERAC, ई से एक्सपीरियंस, आर से रिफ्लेक्शन, ए से एप्लीकेशन और सी से कंसोलिडेशन। तो ये सीखने की प्रक्रिया का चरण होता है, ये भी आपका कई बार प्रश्न आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आपका सेकंड आंसर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं 9 में आधारभूत शिविर कितने दिन का होगा। तो आधारभूत शिविर क्या होगा हमारा, वैसे तो जब ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हमारे पास आया था जो आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर था, तो उसमें 50 दिन का आधारभूत शिविर बताया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से अब वो शिविर तो नहीं हो पाया है। तो अब तो ये है कि जब भी क्लास चलेंगी तो उसमें जो पहला पीरियड होगा वो आपका ध्यानाकर्षण का होगा, तो शिविर तो ख़त्म ही हो गया। लेकिन फिलहाल अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें 50 आंसर आपका सही होगा, तो इसमें आप 50 पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं। तो साथियों तीनों मॉड्यूल्स के भाग भी आपको याद करने होंगे, पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें एक ऑप्शन ही गलत दे रखे थे आधारशिला मॉड्यूल के, उसमें 4 ऑप्शन था, 6 का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन आधारशिला फिर मैंने चेक किया तो उसमें आधारशिला मॉड्यूल के 6 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर आप पूछे शिक्षण संग्रह के कितने भाग होते हैं, तो शिक्षण संग्रह के भी आपके 6 भाग होते हैं, और जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल होता है उसके आपके 4 भाग होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तो जब बच्चा भाषा सीखता है तो सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, सुनने के बाद वो धीरे धीरे बोलना सीख लेता है, उसके बाद वो स्कूल में चला जाता है तो स्कूल में उसे पढ़ाना सिखा देते हैं तब वो पढ़ना सीख लेता है, और सबसे बाद में लिखना उस पर आता है। तो भाषा सीखने का जो सही क्रम होता है वो होता है सुबोपली, ये भी आप याद कर लीजिए सुबोपली, यानी कि अगर आप इंग्लिश में कहें सुनो लिसनिंग, सबसे पहले लिसनिंग आ जाएगा, बो से मतलब बोलना यानी कि स्पीकिंग आ जाएगा, उसके बाद रीडिंग आ जाएगा, उसके बाद राइटिंग आ जाएगा, तो ये आपका क्रम होगा सुबोपली। नेक्स्ट प्रश्न है गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो गतिविधियाँ होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं, मौखिक गतिविधि भी होती है आपकी, लिखित भी होती है, और इसी तरह से ICT जो होता है आपका कंप्यूटर का उपयोग, उसके आधार पर भी आपकी गतिविधि होती है, तो इसमें आपका आंसर 3 सही होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो जो प्रेरणा लक्ष्य हैं 10 हैं, सबको पता है, वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए हैं, हिंदी के एक एक हैं और एक एक भाषा के, यानी कुल 10 आपके प्रेरणा लक्ष्य हैं, कक्षा 1 के 2, 2 के 2, 3 के 2, इस तरह से आपके 10 हैं। तो ये होती है आपकी प्राथमिक कक्षा, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा प्राथमिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है। तो जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें आपको शिक्षक डायरी के बारे में बताया गया है,
उसके साथ साथ आपकी शिक्षण योजना के बारे में बताया गया है। उसके बाद बच्चों का जो आप ध्यानाकर्षण से पहले प्रयोग परीक्षण प्रपत्र लेंगे उसे बनाने के तरीका बताया गया है। इस तरह की चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि शिक्षक को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है वो हम मेनली जो है वो शिक्षकों के उपयोग के लिए है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट आता है भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेते हैं। जब भाग का जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है ये पांचवी क्लास की बात हो रही है। अगर गुणा का जिक्र आता तो वो आपकी कक्षा 4 की बात होती। तो इसका आंसर आपका 5 है। ये 5 कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है। ये भी आप पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था मिशन प्रेरणा की टैगलाइन। तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन जो है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। इसको याद कर लीजिए हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला हस्तपुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए है। तो जो आधारशिला हस्तपुस्तिका का निर्माण है वो कक्षा 1, 2, 3 के लिए। वैसे शुरू में जब हमने शुरू में आधारशिला हस्तपुस्तिका पढ़ा था तो कक्षा 1, 2 के बारे में बताया जाता था और जो ध्यानाकर्षण थी वो 3 से 8 के लिए थी। लेकिन उसके बाद कुछ चेंज हो गया। उसके बाद आधारशिला को 1, 2, 3 के लिए कर दिया गया और ध्यानाकर्षण को 4 से 8 के लिए कर दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है बाद में। तो साथियों इस तरह से वहाँ पर 20 प्रश्न पूछे गए। मैंने 17 प्रश्न आपके सामने रखे, 17 ही मुझे उपलब्ध हुआ पाए। जो 18वां प्रश्न था उस वो था हमारा कि आपके ब्लॉक का रीड अलोंग का पार्टनर कोड क्या है। तो ये प्रश्न आपको सबको पर्सनली आपको याद करना है। आपके यहाँ पर लिस्ट आ गई होगी आपके जिले में कि आपके ब्लॉक का रीड अलोंग कोड क्या है जिसको डालकर आप रीड अलोंग ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको आप पर्सनली याद कर लीजिए कि सबका रीड अलोंग ऐप का जो कोड होता है वो क्या क्या होता है उसको आपको सबको अलग अलग याद करना है। और 2 प्रश्न वहाँ पर गलत थे उनके बारे में भी डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो साथियों इस तरह से ये आपकी परीक्षा हुई प्रयागराज में, काफ़ी अच्छी परीक्षा हुई। हालांकि मुझे इसका लिंक नहीं मिल पाया, मुझे ये बाद में शाम को ही उपलब्ध हो पाई। एक शिक्षक साथी की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अपनी जो उन्होंने परीक्षा दी उन्होंने साथ साथ स्क्रीनशॉट खींच लिए और मुझको उपलब्ध करा दिया। साथियों अगर आप मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको अगर आपके ब्लॉक में कोई परीक्षा होती है तो आप मुझे उसका लिंक टाइम से उपलब्ध करा दीजिए ताकि मैं परीक्षा के बाद लोगों को उसकी वीडियो बता सकूं किस तरह के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो उससे बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो जाता है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों सभी प्रश्नों के मैंने जवाब बता दिए हैं। सिर्फ लर्निंग आउटकम के बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये तो मेरे याद है कि लर्निंग आउटकम 3 होते हैं लेकिन एक जो शुरू का लर्निंग आउटकम है मेरे नाम ही याद नहीं आ रहा, क्या करूँ। नेस्टेड लर्निंग आउटकम होते हैं, उप आउटकम्स होते हैं और एक और होते हैं, याद नहीं आ रहा। चलो खैर उसे छोड़िए, आप देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।